गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हिंदी रीडर चैप्टर टू. स्टूडेंट, चैप्टर वन आई हैव डन इन क्लास रूम. सो लेट्स स्टार्ट. स्टोरी नेम है बुद्धि धन सबसे बड़ा. ये एक राजा है, ये बूढ़ा रामदीन है, ठीक है. इस कहानी में ये सैनिक हैं राजा के. ये राजा जो है जंगल की तरफ से आ रहे हैं, बूढ़ा रामदीन भी उसी जंगल में है. और राजा को आते हुए देखकर बूढ़ा रामदीन जो है ठहर गया. तो वो अंदाज़ा लगा लिया कि राजा जंगल से शिकार खेलकर आ रहे हैं. उसके बाद ये राजा जो है अपने तीन दरबारियों के साथ बूढ़े रामदीन के पास गए और कुछ प्रश्न पूछने लगे. उन्होंने कहा कि बूढ़े बाबा, तुम्हें काम समाप्त करने के लिए सुबह और जल्दी उठना चाहिए था. फिर रामदीन ने शीश झुकाकर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज मैं तो बहुत जल्दी उठा था, किंतु भगवान की इच्छा नहीं थी. ये बूढ़ा रामदीन राजा से कहता है. तब राजा ने पूछा, बाबा पर्वत के शिखर पर कितने वर्षों से बर्फ गिर रही है और निर्झर कब से बह रहा है. राजा का अर्थ था कि ये जो निर्झर है, आपके मतलब आंसू कब से बह रहे हैं तकलीफ़ के कारण. लेकिन ये तीनों जो सैनिक हैं ये देख रहे हैं कि राजा क्या सवाल पूछ रहे हैं. राजा ने फिर एक प्रश्न किया, किंतु यह तो बताओ बाबा, यदि तीन हंस तुम्हारे पास आए क्या तुम उनको मूर्ख बना सकोगे. तो फिर बूढ़े रामदीन ने कहा कि ठीक है महाराज. ये बूढ़ा रामदीन है महाराज को कहता कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा. फिर कुछ दिन के बाद महाराज के ने अपने महल में एक दावत का आयोजन किया. उस दावत में सभी दरबारियों को बुलाया और उनको भी बुलाया जो उनके साथ शिकार पर गए थे.